नेहा और हम पढ़ रहे थे क्लास 8 के मैथ में चैप्टर नंबर 5 डाटा एनालिटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें है द वीकली वेजेस इन रूपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। यहां पर हमें कुछ डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा है? ये वीकली वेजेस है किनका? 30 वर्कर जो एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनका। ठीक है, 830, 835, 890, 810, मतलब आप ध्यान से देखो तो आपका 800 से लेकर के 900 के बीच में ये सारा डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट, यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स एज 800 टू 810, 810 टू 820 एंड सो ऑन। यानी कि हमें टैली मार्क्स का यूज करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिसमें क्लास इंटरवल वाइज हमें ग्रुप्स लेने हैं कितना का 800 से 810 यानी कि 10 के इंटरवल पे हमें एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, शुरू करते हैं इसका। द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज, एट थर्टी फाइव
836. Next, 878, 840, 868, 890, 806 and 840. ठीक है, आप सबको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर हुआ 3, तो इसका फ्रीक्वेंसी 3, यहाँ पर 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 9, यहाँ पर 5, 1, 3, 1, 1 and here 4. ठीक है, अब आप काउंट करके देखो, टोटल 30 आना चाहिए कि यहाँ पर बेटा 30 वर्कर्स का दिया हुआ है। ठीक है, सो 3, 2, 5, 5, 1, 6, 6, 9, 15, 3, 5, 20, 21, 24, 25, 26 and 4, 30. सो टोटल हमें मिल गया 30। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, draw a histogram for the frequency table made for the data in question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि लास्ट क्वेश्चन में हमने जो अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था उसका इस बार हमें हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, और उसके बाद हमें आंसर करना है ये क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वेश्चन, आगे हमें ये क्वेश्चंस को आंसर करना है। क्या क्वेश्चन, व्हिच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, किस ग्रुप के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर, कितने वर्कर्स ऐसे हैं जो कि 850 या उससे ज्यादा कमाते हैं, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, कितने ऐसे वर्कर्स हैं जो 850 से कम कमाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले वापस जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और उसका डेटा हम फिर आपके यहां ले आते हैं, पर हम डेटा लिख लेते हैं इसका। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम, द डेटा given in question 3 is as यहां पर लिखते हैं basis और यहां पर लिखते हैं इसका frequency। ठीक है, हम यहां पर बड़ा करके नहीं बना रहे, हम यहां पर बड़ा करके नहीं बना रहे हैं, because बड़ा करके बनाने का फिर ये काफी स्पेस लेगा और हमारे पास हिस्टोग्राम के लिए स्पेस नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास 800 से 810 तक का, नेक्स्ट 810 से 820, 820 से 830, 830 से लेकर 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 to 880, 880 to 890, and last बेटा 890 to 90, all right? 810 से 810 में था हमारे पास 3, 810 से 820 में 2, फिर 1 था, 830 से 840 में 9 मिला था हमें, 840 से 850 में हमें मिला था 5, 850 से 860 में 1, 860 to 870 में 3, 870 to 880 में 1, 880 to 890 में भी 1, और 890 to 900 में हमें मिला था 4, ओके? सो ये था हमारा डेटा जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था और अब इसके बेसिस पर हमें हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, सो the required histogram is, ठीक है, दो एक्सिस बना लेंगे हम, दिस इज एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जीरो। हम एक्सिस पे सैंपल का अध्ययन करते हैं और यहाँ पर हमें सैंपल जीरो से नहीं, हमें 800 से स्टार्ट करना है। तो ऐसे केस में जहाँ पर हम डायरेक्ट जीरो से लेकर के नहीं जा सकते हैं, वहां पर हम इसे कंटिन्यूएशन का इस तरह से मार्क देते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है, एक अप फिर डाउन फिर इस तरह से। ठीक है, दिस इज कंटिन्यूएशन का एरो, यानी कि जीरो से लेकर के आप 800 तक चले जाओ, 800 से फिर आगे कंटिन्यू करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, सो
100, एक 10, एक 20, एक 30, एक 40, एक 50, एक 60, एक 70, एक 80, एक 90, number of workers
earning rupees 850 or more is equal to 850 to 860 में कितने थे? एक, फिर 860 to 870 में तीन, 870 to 880 में वन, 880 to 890 में भी वन और 890 to 900 में फोर, ठीक है? So 3, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 ऐसे वर्कर्स थे जो 850 या उससे ज्यादा कमा रहे, ठीक है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? How many workers earn less than 850? ऐसे कितने वर्कर्स हैं जो 850 से कम कमा रहे हैं? तो देखते हैं थर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स earning less than rupees 850 is equal to, यहाँ से देखते हैं 800 to 810 में तीन है हमारे पास, then 810 to 820 में दो है हमारे पास, 820 to 830 में एक है, 830 to 840 में 9, 840 to 850 में 5. ओके, सो टोटल हमारे पास कितने हुए? 3, 2, 6, 8, 6, 6 और 9, 15 और 5, 20. एक मिनट, एक और काम है अभी. पांच घंटे तक 32 बच्चों ने टीवी देखा है,
Thank you.